साहब में एक बड़ा नाम है, हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में आगे चल कर एक बड़ा नाम है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जिन्हें जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो शादियाँ थीं, एक का नाम वही सायरा था और एक का नाम वही हाजरा। सैयद सायरा से हजरत सैयदना इसहाक पैदा हुए। हजरत इसहाक के आगे चलकर बेटे का नाम हजरत याकूब है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद को बनी इसराइल भी कहा जाता है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। इनकी नस्लों में आगे चलकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाए, सैयदना ईसा इब्ने मरियम भी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इसहाक, हजरत इसहाक के बाद हजरत याकूब, सैयदना याकूब के बाद सैयदना यूसुफ, सैयदना यूसुफ के बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। गर्दे के सैयदना इसहाक से लेकर हजरत सैयदना ईसा इब्ने मरियम तक बिला मुबालगा हजारों हजार नबी आए। उधर मैं हाजरा से पैदा हुए हजरत इस्माइल के बेटे, उनका नाम हजरत इस्माइल था। सैयदना इस्माइल के औलाद में आगे चलकर फिर अदनान नाम भी आता है। आगे चलकर फिर उनमें कुरैश और कुरैश में बनू हाशिम। मेरे भाइयों, हजरत इस्माइल जब पैदा हुए अभी छोटे दूध पीने वाले मासूम बच्चे थे। रब्बे करीम के हुक्म पर उन्हीं और उनकी वालदा को लाकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ में हरम काबा में उन्हें ठहराया। हजरत इस्माइल हजरत सैयदना इब्राहीम के औलाद इसहाक से ईसा अलैहिस्सलाम तक हजारों नबी आए। हजरत इस्माइल के औलाद हजरत इब्राहीम के औलाद हजरत इस्माइल की लड़ी से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी नहीं आया। फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब आबदुल आबाद तक कोई और नबी नहीं आएगा। हजरात इल्मुल कलाम ने वजाहत की कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से लेकर वो क़यामत यानी अबदुल आबाद तक ये जो नबुव्वत के सिलसिले को रोक दिया गया। मेरे भाइयों, हजरत अइम्मा इल्मुल कलाम ने लिखा कि हजरत इस्माइल से हुजूर तक और हुजूर अलैहिस्सलाम से अबदुल आबाद तक अगले पिछले जितने लोगों की सलाहियतें थीं उन सब सलाहियतों को जमा करके हक ताला ने मोहम्मद अरबी पे सारी सलाहियतें रख दी। कुरान मजीद ने रहमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात के मुताल्लिक कुरान मजीद में फरमाया,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमत आलम की जात अक्दस के मुतालिक फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आप तवज्जो करें कि नबुव्वत अल्लाह की रहमत है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी अपने अपने वक्त पर आते रहे, मेरे रब की रहमत के खजाने से नबुव्वत का हिस्सा पाते रहे। बारी आई हुजूर की, मेरे अल्लाह की, मेरे अल्लाह के खजाना में नबुव्वत की जितनी रहमत थी सारी अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की जात अक्दस पर ऐसे तौर पर निछावर कर दी कि बाकी नबियों को रहमत बना के भेजा, हुजूर को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। मेरे भाइयों तवज्जो करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात के मुतालिक फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। इन दोनों आयात के अल्फाज की बंदिश को देखें और फिर तर्जमा करें, मफहूम ये बनता है कि जिस तरह कायनात का कोई हिस्सा मेरे रब की रहूबियत से बाहर नहीं, उसी तरह कायनात का कोई एक जर्रा हुजूर की नबूवत के दायरे से भी बाहर नहीं। सारी कायनात पे रबूबियत खुदा की, सारी कायनात पे नबूवत मुस्तफा की। मेरे भाइयों बाकी नबी आए, कोई इस इलाके का नबी, कोई उस इलाके का, कोई इस कौम का, कोई उस बरादरी का, कोई इस शहर का, कोई उस शहर का, कोई इस पीरियड के लिए, कोई उस पीरियड के लिए। तमाम नबी आए महदूद वक्त के लिए, महदूद जमाने के लिए, महदूद इलाके, महदूद उम्मतों के लिए। बारी आई ना हुजूर की, अल्लाह ने सारी कायनात को रहमत आलम की जात अक्दस के लिए वन यूनिट बना दिया कि आए मोहम्मद अरबी, अब जहां जहां तक मेरी रबूबियत वहां वहां तक आपकी नबूवत लोगों सुनो। जिस तरह मेरे रब की रबूबियत की कोई इंतहा नहीं, अब मोहम्मद अरबी की भी नबूवत की कोई इंतहा नहीं। सुभान अल्लाह। इस वजाहत के बाद अब मैं दूसरा मौजू ले रहा हूँ और इन दोनों बातों को मिलाएंगे तो नतीजा अर्ज करके मैं उठ खड़ा होऊंगा। मैंने आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना। मेरे भाइयों तवज्जो करो, अल्लाह इस बात पर कादिर थे कि आपको मुझे सिरे से पैदा ना करते, अल्लाह इस बात पर भी कादिर थे कि अगर आपको मुझे पैदा करते तो बजाय इंसान के कोई और मखलूक बना देते। अल्लाह इस पर भी कादिर थे कि आपको मुझे अगर पैदा करते इंसान बनाते तब भी दुनिया के अंदर करोड़ों इंसान हैं पर उनके पास ईमान नहीं। उस करीम के करम को देखो, आप तो मुझे पैदा भी किया, इंसान भी बनाया, ईमान भी दिया। सुभान अल्लाह। माफ रखना, अल्लाह ताला पैदा भी करते, इंसान भी बनाते, ईमान भी देते, इस बात पर भी कादिर थे कि आपको मुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत बना देते, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, सैयदना शीशो याकूब की। भाइयों तवज्जो करो, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ उस करीम के करम को देखो कि अल्लाह ने आपको मुझे पैदा भी किया, इंसान भी बनाया, ईमान भी दिया, ईमान भी दिया मोहम्मद अरबी जैसे।
सर नबी भी दिया। अब जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि आपको मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया, समझे भी हो कि मैंने क्या कहा। शरीफो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुर्रे जकता है कि मेरे वो गौहरे नाजाब को दुर्रे जकता कि मेरे रब के खजाने में भी आपकी मिसाल कोई नहीं। मिसाल तो तब होती कि अल्लाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किसी और को नबी बनाते। मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह ने मोहम्मद अरबी जैसा किसी और को बनाया ही नहीं, फिर मिसाल कहाँ से आएगी। अब सुनो, मैं अगली अर्ज कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, एक हदीस शरीफ में आता है, फरमाया रहमत आलम ने कि कल क्यामत के दिन अल्लाह पूरी इंसानियत की 120 सफे बनाएंगे। उन 120 सफों में हुजूर फरमाते हैं कि अकेले हुजूर की उम्मत की 80 सफे होगी। फरमाया रहमत आलम ने कि कल क्यामत के दिन हर नबी के पास झंडा होगा, उस नबी की उम्मत अपने नबी के झंडे के नीचे खड़ी होगी। हुजूर फरमाते हैं, लोगों, तमाम झंडों से बुलंद वाला झंडा मोहम्मद अरबी का झंडा होगा। भाइयों, जरा तवज्जो करें, कुरान मजीद की आयत करीमा है, वाला सौफ योती का रब्बू का फतर्दा। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से सदियों पहले इसकी तफसीर में लिखा कि सैयदना जिब्रील अमीन रहमत आलम के पास ये आयत करीमा लेकर आए। हजरत जिब्रील अमीन ने ये आयत तिलावत की। रहमत इसका माना यह है कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत के दिन आपको आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त ये सुना, आपने सैयदना जिब्रील अमीन के हाथ रखा। जिब्रील अमीन ने रहमत आलम की तरफ देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील क्या फरमा रहे हैं? आबा युर्जीनी रब्बी, के कल क़यामत के दिन मेरा रब मुझे राजी करेगा। जिब्रील अमीन ने कहा, युर्जी का रब्बों का आपका रब आपको राजी करेगा। हुजूर ने फिर पलट के फरमाया, जिब्रील फिर गवाह रहो, उस राजी करने वाले रब की कसम, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरा अल्लाह मेरी उम्मत के आखिरी गुनाहगार की बख्शिश का फैसला नहीं कर देगा। मेरे भाइयों, मेरा वास खत्म हुआ, अब नतीजे की तरफ चलते हैं। मैंने ये मारूजात इसलिए पेश की कि आप मुझ मिस्कीन की गुफ्तगू के नतीजे को सुनने के लिए आप हजरात की तबाही में मुनासबत पैदा हो जाए। मैं आप हजरात का मुसाफिर भाई, आप मेरे काबिल एहतराम मुसलमान दोस्त और भाई। अब मेरा आप हजरात से मैं और कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि आज की मजलिस में आप दोस्त फैसला करें इस अमर का कि भाइयों, आप इशारत फरमाएं कि जिस उम्मत को अल्लाह हुजूर अलैहि सुभान अल्लाह ऐसे नहीं जोर से जिसको अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी बुलंद आवाज और बुलंद आवाज। मेरा आप हजरात से सिर्फ इतना सवाल के बरादरान, जिस उम्मत को अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा नबी दे दें, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस उम्मत को हुजूर की नबूवत के होते हुए किसी और नबूवत की जरूरत है? जो कहते हैं नहीं, वो बोले दोस्त से, किसी और नबूवत की जरूरत है? जिन्हें जरूरत नहीं और सभी को नहीं,
तो फिर सारे बोलो, पूरी तवानाई के साथ बोलो, हुजूर अलैहिस्सलाम के तरफदार बनकर बोलो इस जज्बे से कि आप फर्श पे बोलेंगे, हाजरी अर्श पे लगेगी इंशाल्लाह। मेरे साथ मिल के कहो कि हुजूर की नबूवत के होते हुए हमें किसी और नबूवत की जरूरत नहीं। जिन्हीं नहीं, सभी को नहीं, तो सारे बोलो कि हुजूर की नबूवत के होते हुए हमें किसी और नबूवत की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। इसी को खत्म नबूवत कहते हैं। यही है खत्म नबूवत के रज़ीना बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बे मोहम्मद नबिया। हमें खुदा भी काफी मिल के कह दो, हमें मुस्तफा भी काफी। जो कहते हैं काफी, बुजुर्ग के साथ कह दे कि हमें मुस्तफा भी काफी। मेरे भाइयों, यही वजह है। अब आप हजरात खुद अंदाजा करें कि मैं कितना शार्ट कर रहा हूँ। यही वजह है कि हमारे हजरत इमाम अबू हनीफा ने कहा कि तावन नबूवते बादा नबी के ना कुफ्रुन बिल इज्मा, कि रहमत आलम के बाद जो नबूवत का दावा करे वो बिल इज्मा काफिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो नबूवत का दावा करे वो और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं। आप भी मिल के कह दे वो मुसलमान नहीं। जोर से वो मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों, हम देखते हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर के आहदे खिलाफत में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया, तब उस वक्त सहाबा कराम की जमात ने सिद्दीक अकबर की खिलाफत के झंडे के नीचे खड़े होकर बिल इजमा ये ऐलान किया कि मुसैलमा और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं। आपका मेरा हमसाया मुल्क है ईरान। यहाँ पर आज से सदियों पहले एक शख्स जिसका नाम बहाउल्लाह था, उस बदनसीब ने झूठी नबूवत का दावा किया। तब उस वक्त की हमारी तमाम तर दीनी क्यादत ने मुतफ़ा तौर पर मौका में प्यार किया कि बहाउल्लाह और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों, हमारे इस खित्ते में अंग्रेज के जमाने में जिस वक्त बम्बई से लेकर कराची तक, कराची से कलकत्ता, कलकत्ता से लेकर काबुल, काबुल से लेकर कोयटा, कोयटा से लेकर कराची, ये पूरा खित्ता जिस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, उस वक्त मलऊन कादियान ने अंग्रेज के कहने पे इस खित्ते में झूठी नबूवत का दावा किया। तब उस जमाने के उलमा हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द हजरत मौलाना फजलुर रहमान गढ़ मुरादाबादी, उस जमाने के सबसे बड़े इल्मुल कलाम के अल्लामा हजरत मौलाना रहमतुल्ला किरानवी, उस जमाने के सबसे बड़े शेखुल हदीस हजरत मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी शारे बुखारी, उस जमाने के हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना नजीर हुसैन देहलवी, हजरत शेखुल हिंद, मेरे भाइयों शाह अब्दुल रहीम रायपुरी, इस सतह की हजरत मौलाना पीर मेहर अली शाह साहब बोरड़वी, इस सतह की हमारी दीनी क्यादत एक दो नहीं 600 उलमाए कराम ने मुत्तफ़ा तौर पर फतवा दिया कि मलऊने कादिया और उसके मानने वाले मुसलमान बोलो नहीं। जोर से नहीं। जिसको अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी बुलंद आवाज से नहीं। के मिर्ज़ा कादियानी और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद बहावलपुर, मॉरीशस, मेरे भाइयों जनूबी अफ्रीका, उसके बाद राब्ता आलम इस्लामी, उसके बाद अरब इमारात,
आप आजाद की आजाद कश्मीर की असेंबली आज से 50 साल पहले आप आजाद की पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, उसके बाद आपके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, विफाकी शरी अदालत, हाई कोर्ट, गाजे के मशरक से लेकर मगरब तक जहां जहां जिस स्टेट पर कादियानियत से मुतल्लिक केस गया, तमाम तर इन फोर्स ने मुत्तफ़का तौर पर मौका इख्तियार किया कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले मुसलमान मेरे भाइयों, अल्लाह के फ़ज़लो करम से उस कानून को खत्म करना तो रहा दरकिनार। आज उसकी पोजीशन ये है कि इसी साल 10 मुहर्रम को, यानी आज से तकरीबन एक महीना 10 दिन पहले, आज 18 सफर है, मैं 10 मुहर्रम की बात कर रहा हूँ, एक महीना 10 दिन समझ ले, इन 10 दिन मेरे भाइयों 10 मुहर्रम को इस साल जनूबी अफ्रीका का एक मुल्क है माली, वहां पर उनके सुप्रीम काउंसिल में मेरे भाइयों कादियानियत से मुतालिक केस पेश हुआ। इधर कादियानी आए, इधर मुसलमान आए, कादियानियों ने रूए जमीन के तमाम काफिर मुल्कों को अप्रोच करके माली के सदर और वजीर आजम पर दबाव डलवाया कि किसी तरह कादियानियत के हक में फैसला आ जाए। इधर कादियानी आए, उधर मुसलमान आए, शरीफों मैं उसकी ताबीर ये करता हूँ कि कादियानियों को अपनी ताकत पे नाज था, मुसलमानों को मोहम्मद अरबी की गुलामी पे नाज था। कादियानी भी आए, कादियानी भी आए, मुसलमान भी आए, कई दिनों तक वहां पर केस चलता रहा। जब फैसले का दिन आया 10 मुहर्रम हराम को, उस करीम के काम को देखो, अदालत लगी फैसले के ऐलान के लिए, जज आए, आकर अपनी कुर्सी पे बैठे, दुनिया ने देखा कि कुफर हार गया, इस्लाम जीत गया। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात की खिदमत में अर्ज करता हूँ, जरा मेरे साथ चले, मैंने आप दोस्तों का ज्यादा वक्त नहीं लेना, जरा तवज्जो करें तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। 2020 के आखिर में, 2021 के अवाइल में, आज से गोया एक साल तकरीबन पहले, मेरे भाइयों यूरोपी यूनियन की असेंबली का इजलास हुआ। उस असेंबली के इजलास में यूरोपी यूनियन ने करारदाद मुत्तफ़का तौर पर करारदाद मंजूर की कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा जाए कि वो पाकिस्तान में रहमत आलम की इज्जत और नामूस के तहफ़ुज़ के कानून को खत्म करे। उनको कहा गया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा जाए कि वो इस कानून को खत्म करे, अकीदे खत्म नबूवत के हवाले से जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने करारदाद की, उस पर नजरसानी की जाए, तहफ़ुज़ नामों से रिसालत का कानून खत्म करो, खत्म नबूवत के कानून को गैर मुअस्सर करो, ये उनका मुतालबा था। ये सुनकर हमारा माथा ठनका कि कहीं ऐसे न हो हमारे हुक्मरानों पर डालरों का दबाव डालकर उन गवर्नमेंटों ने तहफ़ुज़ नामों से रिसालत के मुजरमों को रिहा कराया हमारे हुक्मरानों से। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मेरा ये मंसब भी नहीं, ना शरीयत इसकी इजाजत देता है, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ कि ये हमारी गवर्नमेंट, ये जितने बरसरे इक्तदार, जगह बाद दीगरे बरसरे इक्तदार आने वाले
ये तनांतर बाहर की दुनिया को राजी करने के लिए अपने आदमी भी बनवाते रहे, उनकी जेलों को आबाद भी करते रहे। उनके कहने पर हम पर हमारे लोगों ने कारपेट बमबारी भी की। उन्होंने कहकर इस मुल्क में जो बेदीनी का नाच नाचा जा सकता था उन्होंने उसके अंदर कोई कमी नहीं की। मराठा मराठा देश हो या इस किस्म के जितने, मैं तफसीलात में नहीं जा रहा, जिस वक्त यूरोपीय यूनियन ने कहा कि इन कवानीन में तरमीम की जाए, हमारा माथा ठनका कि कहीं खुदा न करे उनके कहने पर अगर हमारी हुकूमत आमादा हो गई एक दफा गाड़ी ट्रेन से उतर गई दोबारा ट्रेन पर लाने के लिए पता नहीं हमें कितना जोर लगाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हमने ना औ देखा ना तौ देखा। हजरत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी, हजरत मौलाना फजलुर रहमान गर्जे के अपने मसलक की तमाम तर जमातों से मशवरा किया, दूसरे तमाम मकातिब फिक्र को एतमाद में लिया। हमने 3 कॉन्फ्रेंसों का ऐलान किया। मैं रिपोर्ट नहीं सुना रहा, नतीजे की तरफ आ रहा हूँ। गुजरता साल 7 सितंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में मेरे भाइयों दरियाए जेहलम के मगरबी किनारे से लेकर पिशावर तक, काला ढाका से लेकर चकवाल तक 300-400 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर के एरिया को लियाकत बाग में 6 सितंबर की शाम को जमा किया। आप में से जो दो जानते हैं सो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान ले कि मेरे भाइयों वो इतना बड़ा ग्राउंड है बाग कि लाखों आदमियों के बगैर उसका पेट नहीं भरता। लेकिन अल्लाह ने कर्म ये किया कि रात को जिस वक्त जलसा शुरू हुआ, बिला मुबालगा अर्ज करता हूँ, बावजू मिंबरे रसूल पे खाने खुदा में बैठा हुआ कि हमने उस मंजर को देखा, पूरे ग्राउंड में तिल धरने पूरे ग्राउंड में तिल धरने की जगह नहीं थी। और बाहर ये आलम था कि जितनी खलके खुदा पिंडाल के अंदर जमा थी उससे 2 गुना ज्यादा। अगले दिन 7 सितंबर की शाम को दरियाए जेहलम के मशरक के किनारे से लेकर गंगापुर तक और मेरे भाइयों गंगापुर से लेकर खुशाब तक, खुशाब से लेकर हवेली बहादुर तक, ये भी चाहता हूँ हवेली लिखा था, इस तमाम तक खल्के खुदा को जमा किया मीनार पाकिस्तान में। सुनो आपसे अर्ज करता हूँ, रात के 1 बजे जब सरेट पर जाना हुआ, दाएं भी देखा बाएं भी देखा सामने को भी देखा, रब्बे मोहम्मद की कसम हमारी नजरें थक कर वापस आ जाती थी। इंसानों के सरों के समंदर के किनारे आखिरी किनारे का पता नहीं करता था। सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर ऐलान किया कि इंशाअल्लाह अजीज 7 अक्टूबर को मुल्तान इंशाअल्लाह किला कोना कासिम बाग पे कारपेट होगी। मुल्तान डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन, डेरा गाजी खान डिवीजन, 3 डिवीजनों की दीनी क्यादत को जमा किया। मुझे आज आप रात की मस्जिद के सदर मेरे काबिल एहतराम भाई वो फरमा रहे थे कि इसी आप रात की मस्जिद से 10 गाड़ियों का काफिला गया। सिर्फ आप हजरात ने नहीं, कुर्बो जवार के इन 14 अजला के लोगों ने जिस वक्त मुल्तान का रुख किया, मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, बहुत सारे दोस्त गवाही देंगे कि उस वक्त स्टेज पर इन 14 अजला का एक शैफुल अजीज ऐसे नहीं था जो स्टेज पर मौजूद ना हो। एक एक उस इलाके का इन तमाम डिवीजनों के एक खानका का सज्जादा नशीन
ऐसे नेता जो मौके पर मौजूद ना हो, बयान करने वाले मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी, हजरत नासर हजरत आबद नासरुद्दीन खाकवानी, हजरत मौलाना फजलुर रहमान, तमाम मकाते बेफिक्र के चोटी की क्यादत मेरे भाइयों कांग्रेस हो गई। 3-4 हफ्तों के बाद नवंबर में आगे चलकर 25 नवंबर को खानपुर हजरत शैखुल इस्लाम दरखास्ती रहमतुल्लाह के यहाँ हतमे नबूवत की कांग्रेस थी। हजरत मौलाना फजलुर रहमान वहां पर तशरीफ लाए, सड़क पर हम इकट्ठे थे। मौलाना ने मेरे कलाई पर हाथ रख के मुझे कहा कि मौली साहब आपको कुछ पता भी है अपने मुल्तान की कांग्रेस का? मैंने कहा जी हजरत इश्तिहार छापने, दरिये बिछानी, नारे लगाने, खलके खुदा को जमा करना, हम तो इस काम के हैं, हमारी जाने भला। मौलाना ने कहा कि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान के सबसे बड़े हसाब इदारे का सबसे बड़ा अफसर वो मुझे मिला दू बदू। उसने मुझे कहा कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आज तक मुल्तान की तारीख में इतना बड़ा मजहबी इत्तेहाद कभी मुनक़िद नहीं हुआ जितना अल्लाह ने खत्मे नबूवत के नाम पे जमा कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों में आवाज मेरे भाइयों मैं गुजारिश करता हूँ, नक्द नताए दिए परवरदिगार ने नक्द, हमारी झोलियों को सरफराज किया अपने करम से। मैं तुम्हें कहता हूँ यहाँ से जाने के बाद मुझ मिस्कीन की बात को अपने पल्ले बांध के जाओ और जाकर बिस्तर पे लेटते हुए जरा इस पर तवज्जो करनी, वो दिन जाए आज का दिन आए, साल भर का अरसा हो गया, यूरोपी यूनियन का दोबारा मुतालबा करना तो रहा दरकिनार, मशरक से लेकर मगरब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक रूए जमीन के किसी बड़े से बड़े काफिर को दोबारा मुंह खोलने की जरूरत नहीं हुई कि तहफुज नामों से नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने रिसालत, ताजो तक खत्मे नबूवत, ताजो तक खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। आज आपके सामने मैं इस पोजीशन में हूँ कि बीच मैदान के सीना धोके को मेरे भाइयों बीच मैदान के डंडा काट के रब की रहमत की ढेरी पे हाथ रख देता हूँ कि सुनो, इस कानून को खत्म करना तो रहा दरकिनार, आज के बाद कोई माता लाल इस कानून को खत्म करने की बात करेगा वो कहने वाला खत्म हो जाएगा, कानून खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। तो कहते नहीं होगा, हाथ उठा के लहरा के कह दो नहीं होगा। मेरे भाइयों मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप मुझे कहेंगे वाले साहब साल पहले की बात करते हो, इस साल पिछले साल की इस साल की क्यों नहीं करते? चलो मैं इस साल की करता हूँ। इसी साल 6 जनवरी को रिटायर होना था हमारे मुल्क के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेरे भाइयों FIA का अबू बकर खुदा बहनों का उसका नाम, जिस वक्त जनाबे कमर बाजवा को तोसी दी गई थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस आया, आप हजरात को याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि इस तोसी को तो हम मान लेते हैं, आज के बाद जो रिटायर हो उसे तोसी न दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद कि किसी
रिटायर होने वाले को तो सी नहीं दे सकते। सातवा गवर्नमेंट में एक शहजाद अकबर था, एक ये कादियानी, इन दोनों ने पुख्त की कि तोसी भी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी माने है, दरमियान का रास्ता निकाला गया कि नए एग्रीमेंट के तहत एक नई समली तैयार की जाए। उस समली के समली तैयार हो, उस समली के 6 जनवरी को ये रिटायर हो, 7 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर को शीशे में उतार कर उससे दस्तक करा गुड्डी डलवा दी जाए और फिर 7 जनवरी को दोबारा ये मनमोहन कादियानी आकर आइंदा 4 साल के लिए नए एग्रीमेंट के तहत बतौर एडवाइजर के वो FIA के डायरेक्टर के तौर पर फिर विराजमान हो जाए। भाइयों हमें पता चला, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अल्लाह उसे माफ न फरमाए जो तकब्बुर करता हो। बात तकब्बुर नहीं, बात गुलामी की है। अल्लाह ने तौफीक बख्शी, अल्लाह का नाम लेकर खड़े हुए कराची में, कोयटे में, पिशावर में, मर्दान में, वो सवाबी में, मेरे भाइयों अपना मान शेरे एहताबाद में, वो मर्दान में, बनू में, उधर हैदराबाद में, मीरपुर खान, उधर कराची, इधर लाहौर, इधर कसूर, इधर मुल्तान, एक एक जिले सदर मकाम पर हमने मुजाहरे करने शुरू किए। वो क्या कहते हैं उसको, प्रेस क्लब के सामने कहीं 10 आदमी, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40, कहीं हजार, कहीं हजारों दोस्त मिलते गए, कारवां बनता गया। सुनो आपसे अर्ज करता हूँ, कराची से ले सवाल नहीं कहते, नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान चक्की तो पीसनी पड़ी। सुनो अगर दिन को जुलूस निकालते थे, रात को रो रो के अल्लाह के हुजूर दुआएं भी करते थे, एक हफ्ते मेहनत करनी पड़ी। किबला शेख साहब आप दोस्तों को मुबारक देता हूँ, आपने हरकत की, अल्लाह ने बरकत डाली, नतीजा ये निकला कि 6 जनवरी को जब सूर्य तुलू हुआ, दुनिया ने देखा कुफर हार चुका था, इस्लाम जीत चुका था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने रिसालत, शाने रिसालत। इस साल आप हजरात की जमात ने ये फैसला किया कि हमने यकम सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पूरे मुल्क में 1 महीना तक मुसलसल कॉन्फ्रेंसें करना है। दूर न जाए, यकम सितंबर को हमारी कराची में कॉन्फ्रेंस थी, उस यकम सितंबर की कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले ये वो कॉन्फ्रेंसों के सिलसिले में इस साल हमारे इकदाम का पहला कदम था। मेरे भाइयों जरा तवज्जो करें, यकम सितंबर से 2 दिन पहले मंगो पीर कॉलोनी में एक मजलिस में 19 कादियानियों ने कादियानियत पे लानत भेज के इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे भाइयों पिशावर में जाग रहे हो, एक मजलिस में वहाँ पर सफेद ढेरी एक जगह का नाम है, हजरत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन के हाथ पे एक मजलिस में 11 कादियानियों ने कादियानियत तर्क की, इस्लाम कबूल किया। आप कहे मौलवी साहब आप हमें कराची की सुनाते हैं, आप हमें जो है पिशावर की सुनाते हैं, पंजाब की सुनाओ। चलो भाई मैं पंजाब की नहीं, बहावलपुर तुम्हारे डिवीजन की सुनाता हूँ। ये जो है ना तुम्हारा आप हजरात का साथ का बात, वहाँ का एक मिल ऑनर कादियानी, उसके बेटे की दावत वलीमा थी, उसने मुसलमानों को भी बुलाया, कादियानी को भी बुलाया,
मुसलमान गए नहीं सिवाय दो आदमियों के। अगले दिन पता चला फलां दो आदमी गए थे, मुसलमानों ने मस्जिद में उन्हें बिठा दिया कि भाई तौबा करो तुम्हारा वरना तुम्हारा सा हमारा अलैक सलैक खत्म। तुम हुजूर के दुश्मन के पास गए, शुदा शुदा ये बात उस मिल ऑनर कादियानी तक पहुंची। उसने पैगाम भेजा कि मेरी दावत पर पहले तो कोई मुसलमान आया नहीं, जो आया उसे भी तुमने काबू कर लिया। इन हमारा कसूर क्या है कि तुम हमारे यहाँ दावत पे भी नहीं आते? अगर समझाना है तो उसे क्यों समझाते हो, मुझे क्यों नहीं समझाते? और सुभान अल्लाह जज्बात कराम का फैसला करे। मेरे भाइयों हमारे साथियों को इतला मिली, हजरत उलमा ने कहा कि उसे कहो कि मियां आ जाओ, तुम आओ हमारे पास तो पलके बिछाएंगे, हमें बुलाओ सर के बाल चल के आएंगे, नंगे कदम चल के आएंगे, कहो आने को हम आने के लिए तैयार, तुम आने के लिए तैयार तो सर आंखों पे बिठाने के लिए हम तैयार। अल्लाह ने करम किया, उसने अपने दूल्हा बेटे का हाथ पकड़ा, खुद भी चला मस्जिद में आया, मुसलमानों ने रास्ता दिया। वो बैठा बैठते ही उसने आलिम दीन को खिताब करके बड़े 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 दबदबे के साथ हैबत के साथ कहा कि मुझे इधर उधर की नहीं, चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे लेकिन लिहाजा नहीं, मुझे दो दो चार की तरह समझाओ कि कादियानी क्यों काफिर है। हमारे मौल साहब ने कहा कुरान मजीद की आयत करीमा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमत आलम को खिताब करके मोहम्मद भी कहा रसूलुल्लाह भी कहा। मैं आपसे पूछता हूँ, उस आलिम दीन ने उस कादियानी को कहा, मैं आपसे पूछता हूँ क्या आज का कोई दहकान बद शकल बद अकल खड़े होकर कहे मैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह हूँ, आप बताएं ये मुसलमान है या काफिर? काफिर। चलो तुम बता दो मियां। काफिर। सोच है काफिर। नहीं ऐसे नहीं बुलंद आवाज से काफिर। इसे बात समझ में आई है? सारे बोलो चुप कोई न रहे, यही बोलना क्यामत के दिन काम आएगा। माद अल्लाह कोई बदनसीब ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई बदनसीब शख्स ये कहे कि मैं मोहम्मद और रसूलुल्लाह हूँ। आए मेरे अल्लाह नाम हुजूर का मिंबर हुजूर का वो बैठ के कहे मैं मोहम्मद और मियां तुम्हें मसला नहीं समझाया उलमा ने। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रहमत आलम के बाद जब मसलत आराए खिलाफत हुए सिद्दीक अकबर वहाँ नहीं बैठे जहाँ हुजूर बैठते थे, सिद्दीक वहाँ बैठे जहाँ मोहम्मद अरबी के कदम। नारे तकबीर सारे मोहम्मद मुस्तफा ताज तक खत्म नबूवत इंसानों पे लानत इंसानों पे लानत इंसानों पे लानत नारे तकबीर। भाइयों तुम मेरी परा पंचायत हो, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कादियान का देहकान अंग्रेज का टाउट और दयूस वो परनसीब जिसकी न अकल न शकल जिसकी न सूरत न सीरत जिसके पास न हया न शर्म वो ये कहे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, आप बताए ऐसा कहने वाला मुसलमान के काफिर? काफिर। जोर से काफिर। कौन? काफिर। उसने भी यही कहा कि अगर मिर्जे ने ऐसा कहा तो मिर्जा काफिर है। अब मौलवी साहब ने किताबें खोली, मलबों ने कादियां की दिखानी शुरू की, इधर हवाले पड़ता था उधर आंखें दबकती थी, इधर हवाले पड़ता रहा उधर दिल पिघलता रहा। दुनिया ने देखा कि उसके चश्मे तर से दाढ़ी भी तर हो गई, झड़ी लगी हुई है बरसात लगी हुई है आंखों की, रो के उस आलम दीन से कहा कि हजरत खुदा के लिए इस मलूने कादियां के मुझे ज्यादा हवाले न पढ़ाए मेरा दिल फट जाएगा, मुझे हुजूर का कलमा पढ़ा के आपकी तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफा
ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت میرزایوں پہ لعنت میرزایوں پہ لعنت مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت میرے بھائیوں بس ایک منٹ دے دو آخری بات کہتا ہوں اب آپ میں سے کوئی کھڑا ہو نا وہ کہے مولوی صاحب بڑے کوئی ہفتے بعد پہلے کی دس دن پہلے کی بیس دن پہلے کی خبریں سنائیں آج کی کبھی کوئی تازہ سناؤ میں آج کی بھی سنا دیتا ہوں کچھ مسکین کا کیا ہے میں آج سبحان اللہ نہیں کہہ سبحان اللہ میرے بھائیو یہی جمعہ ابھی دوسرا جمعہ آیا نہیں ابھی کل آئے گا یہ جو گزشتہ جمعہ ہے اس جمعہ ملک وال میں وہ منڈی بہاؤدین میں ملک وال میں ضلع منڈی بہاؤدین شہر ملک وال وہاں پر ختم نبوت کی کانفرنس تھی حضرت مولانا خواجہ خان محمد کے صاحبزادے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اس اجلاس کے صدر تھے جلسے کے دوران یہ کرم کیا میرے پروردگار نے تین بھائی ماں اور باپ پانچ آدمی آئے قادیانی پہ لعنت بھیجی اسلام قبول کیا سبحان اللہ ان کی دستار بندی بھی کرائی گئی سنو جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں ابھی انشاءاللہ العزیز 6 اکتوبر کو آپ حضرات کے بہاول پور میں ختم نبوت کی کانفرنس ڈویژن کی سطح پر ہو رہی ہے اس کے بعد پھر چراغ نگر چلیں گے 27 اکتوبر کو کارواں 30 ستمبر کو انشاءاللہ سرگودا میں ہے اس دوران بہت ساری اور بھی کانفرنسیں سنو یہاں سے جاؤ تو پیغام لے کر جاؤ کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کیا جائے گا آپ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو کیا جائے گا نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت مسلمانوں کبھی نہ بھولو جس طرح عقیدہ توحید کا تعلق میرے رب کی ذات کے ساتھ ہے عقیدہ ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات اقدس کے ساتھ ہے لوگوں میرا اللہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک خاتم النبیین ہونے میں حضور وحدہ لا شریک خدا بند کریم کے منصب پہ کو اللہ رب العزت کی ذات میں صفات میں کوئی کسی کو شریک کرے مسلمان نہیں حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مل کے کہہ دو مسلمان نہیں اب تم نعرہ لگاؤ میں آپ سے اجازت لوں مل کے میرے ساتھ تو ہونا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد